विकास दुबे की सत्ता पर उसके दो गुंडों की नज़र थी और दोनों ही एनकाउंटर में मारे गए। विकास की गद्दी को लेकर ही उसका फरीदाबाद में अमर दुबे से झगड़ा हुआ, जिसके बाद अमर कानपुर आने के लिए निकल पड़ा। हमीरपुर में पुलिस ने उसे घेरा और एनकाउंटर में अमर दुबे मारा गया। प्रभात मिश्रा की नज़र भी विकास की गद्दी पर थी, वो भी एनकाउंटर में मारा गया। 2 जुलाई को बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे अमर सहित कुछ और गुंडों के साथ बिकरू से दिल्ली भागा। दिल्ली से वो टैक्सी से फरीदाबाद पहुंचा, जहां पर रिश्तेदार अंकुर के यहां छुप कर रहा। उस दौरान अमर भी उसके साथ था। वहां गद्दी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद अमर दुबे उसे वहीं छोड़कर वापस कानपुर आने के लिए निकल पड़ा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब फरीदाबाद में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने रिश्तेदार अंकुर को गिरफ्तार किया। अंकुर से की गई पूछताछ को भी पुलिस ने चार्जशीट का हिस्सा बनाया। फरीदाबाद में गुस्साए अमर ने विकास से कहा, हमसे इतना बड़ा कांड करवा दिया और अब अपनी गद्दी भी नहीं दोगे। उसने ये भी कहा कि अभी नई शादी हुई थी, पत्नी के जेल जाने की नौबत आ गई, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। इतना कहकर वो वापस कानपुर जाने के लिए निकल पड़ा। प्रभात को उत्तराधिकारी विकास बनाना चाहता था। जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर आपको बता दें, प्रभात के अंदर आपराधिक गुणों के अलावा दिमाग भी तेज था। वो हर स्थिति को अपराध के नज़रिए से देखता, कई बार उसके बताए गए सुझाव विकास आसानी से मान लेता। ये खुलासे विकास दुबे एनकाउंटर के करीब 3 महीने बाद हुए हैं। आपको बता दें, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से लेकर अब तक बिकरू कांड चारों तरफ चर्चे बटोर रहा है और ये कांड लगातार चर्चा में बना हुआ है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।